What's up guys? Welcome to the new vlog. क्या था मतलब क्या था ये? Anyways, हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए हमेशा की तरह लेट. बताते हैं आपको क्या थूसेंगे हम लोग. तो नाश्ते में है मेंदू वड़ा और सांभर. चलते हैं साइड में. और छोले और पूरी. अरे यार आलू भाजी नहीं है. मंगाओ खाओगे अगर मना कर दिया एक सेकंड में. अगर अंकिता ने कुछ बोला था मैं और रिपन में से एक भी इंसान मना कर नहीं करता. पूछ ले करते हैं अंकिता. नहीं नहीं सेल्फिश. कल हम ईडन वन में थे. आज हम एक दिन एक्सटेंड कर रहे हैं तो हम यहाँ पे बेटर रूम मिल रहा है हमको. सो सबसे बेस्ट रूम है यहाँ का. वहाँ पे मैं हम शिफ्ट हो रहे हैं जो कि है निर्वाणा वन. मैं आपको पहले रूम टूर दे देता हूँ. सबसे पहले रूम पे एंटर होते ही देखो सामने सेल्फी लेता हुआ बंदा मिलेगा आपको. यहाँ पे देखो मस्त ग्रीनरी है सारे रूम में. यहाँ पर है ये है मेन रूम एरिया जहाँ पे आपको अंकिता घूमती हुई मिलेगी. ये वॉशरूम जिसमें यहाँ पे मैं खांसना बीच में बार बार आ जाती है. और सबसे बेस्ट पार्ट हम फर्स्ट टाइम जब भी रुके थे तभी ये रूम में रुके थे. ये देखो ये है प्राइवेट पूल जो कि बहुत ही डिफरेंट और अमेजिंग शेप का भी. और यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है गर्म गर्म पानी. और ये सिटिंग एरिया इवनिंग या समथिंग में नहीं हैंग आउट करना था. बाकी यहाँ पे बहुत अभी फिलहाल तो धूप है. क्या कर रही है? एक्चुअली बहुत ही ज्यादा गर्मी लग रही है यार. भाई तू नहाने जाना खत्म कर यार निकलना है. हेलो आफ्टर सो लॉन्ग. हाय हाउ आर यू? आई एम गुड. हाय हाय. तुम लोग लास्ट वैसे उस वक्त तो ज्यादा ब्लॉग या पता नहीं क्या नहीं किया हो क्या. इतनी झूठी है ना कसम से बोल रहा हूँ. तो बहुत ही अत्यंत बहुत ही बेहुदा नहीं ब्यूटीफुल लग रही है. की ना तारीफ. बेहुदा बोलने की क्या जरूरत है? बेहुदा नहीं ब्यूटीफुल लग रही है. अगर मैं ऐसा बोलूँ कि तो सच में कितना घटिया भैया नहीं लग रहा. तो अच्छी बात है ना. अच्छा ही बोल रहे कि नहीं लग रहा हूँ भैया. हम लोग है ना यहाँ पे एक सेकेंड कहाँ पे. ये देखो ककड़ी की एक प्लेट ले रहे हैं ताकि क्यूकम्बर हमको थोड़ा सा हाइड्रेट कर सके. वैसे प्याज बहुत ज्यादा लग रही है मेरे को. पानी तो मेरे में गर्म होगा. है दे पास ठंडा. दे ये क्या था? मैंने बोला प्याज लगी तू खुद पे लग गई. तो क्या हो गया? मैं मेरे को भी लगी थी पर मैं बोली नहीं. तो मैंने मांगा था पहले. मेरे को पी के दिया था. सही ना तेरे को? फाइन भाई तू सब पी गया. मैंने अगले श्लोक एक घूंट पिया है उतना ही था तेरे अंदर. अभी देखो ये अकेले अकेले खाया जा रही है खिलाने की जगह. खिलाया मैंने जरा शर्म कर. मौसम कई जगह पे बहुत सारे बंदर है. खड़ी क्यों रख रहा है उनको खिलाने के लिए? ये नहीं बस इतना ही खोल रहा हूँ. वैसे पीछे वो दोनों लड़के हैं उन लोगों ने मस्त मस्त शायरियाँ सुनाई. ये देखो ये बच्चे ने गाड़ी लगवाने में हेल्प किया. थैंक यू. और इसने शायरियाँ सुनाई है. जोड़ा क्या नाम बोला था तुमने? कपूर कुमार सोलंकी. कपूर कुमार सोलंकी. और मेरे को YouTube पर डाल देना. वीडियो को लाइक कर देना. हाँ थैंक यू. फॉलो कर देना. फॉलो कर देना. चलो भाई लाइक अच्छा लाइक बाय. लाइक किया कोचे ना फॉलोवर्स मेरा. थैंक यू. वेलकम बाय. यार मस्त बच्चे थे ना. तो अभी हम लंच करने के लिए जा रहे हैं अरबुदा. वैसे मन गम था क्यों बताता हूँ. यहाँ पे ना कोविड से पहले बहुत अमेजिंग फूड हुआ करता था. कोविड के बाद हम दो बार आए ना खाना बिल्कुल अच्छा नहीं था. पर अभी कोई और ज्यादा अच्छा ऑप्शन लग नहीं रहा है कि रिस्क ले रहे हैं कि वापस शायद अच्छा हो गया हो. ट्राई करें बताते हैं आपको. ये जगह जब तक रिनोवेट नहीं हुई थी ना अभी तक बहुत अच्छी बना दी है. तब इसका फूड अच्छा था जब रिनोवेट नहीं हुई थी. होपफुली वापस ठीक हो गया. यार ट्राई तो करना था पर खाना अवेलेबल ही नहीं था. उन्होंने बोला शाम को मिलेगा सीधा. अभी सिर्फ डोसा और भाजी पाव. तो मैंने बोला भाजी पाव तो अपने पूरे की बहुत अच्छी है तो हम नक्की लग जाके भाजी पाव खाएं. अब फिलहाल बास्किन रॉबिन में आया हूँ अंकिता आइसक्रीम खानी है. कितने चाव से देख रही है आइसक्रीमों को. कौन सा मंगाया? इसका नाम है मिसिसिपी मड. मतलब मिसिसिपी का कीचड़ है सर.
इसका तो रिव्यू तो पूछूंगा नहीं कि अच्छा है कि बुरा है, क्योंकि तो हमेशा ये मंगाती तो अच्छा ही होगा शायद। खुद तो खा लीजिए जबरदस्ती, मेरे को खिला दे कसम दे दे के। वैसे अभी हमको एक ग्रुप मिला जो अचानक देखो रास्ते में गाड़ी खड़ी हुई है, अचानक आप लोगों ने अचानक देख के ऐसे क्या, मुझे लगा कि किसी ने हाइक किया वगैरह, और ये पीछे का दरवाजा खुला करके नीचे उतर गए, मेरे बोले पीछे वाले सारे गिर जाते हैं। चलो फाइनली हम पुरोहित पे आ गए, ये बहुत ही पुराने हैं यहाँ पे। अरे आप तो कितने सालों से हो ना आप तो यहीं पे, मैं हॉस्टल में था ना, मतलब स्कूल में पढ़ता तब से यही बैठ रहे यही काउंटर पे। उमरी भाजी पाव आ गई है, लेकिन उसके अकेले के लिए एक प्लेट मंगाई है। ये अंकिता ने बोला कंजूसी करके बोला कि भाई चलो यार एक ही मंगाना ताकि पैसे बचे, है ना। खा के बता कैसी लगी? मजा आ गई भाजी पाव का, लिटरली। निकुंज का यहाँ पे पहली बार खाई है ना, कैसी लगी? नहीं लास्ट टाइम भी खाई थी। खाई थी पर इस बार मेरे को ज्यादा मजा आई। अच्छा ये टेस्टी भी थी एक्चुअली, लास्ट टाइम ये वाले भैया नहीं थे बनाने वाले। और टूट पड़े थे अपने बताए। तो हम लोग सनसेट देखने जा रहे हैं गुरु शिखर, जो कि यहाँ का मतलब आबू का बोलने जाए तो सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट है, उससे ऊपर कोई पॉइंट है ही नहीं, और बहुत ही अमेजिंग प्लेस है जहाँ पे हम एक्चुअली गाड़ी खड़ी रखते हैं हमेशा। वैसे पहले मैंने वीडियो डाला वहाँ का, बट उस वक्त विंटर्स था और बहुत गंदी वाली ठंडी, और उस वक्त हम बाइक पे गए थे। यहाँ पे दिलवारा टेम्पल है, नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे ना तब यहाँ का भी एक ब्लॉग बनाएंगे, काफी इसका आर्किटेक्चरल फेमस है और हर किसी के पढ़ाई में भी आया हुआ है। एंड 99% मुझे लगता है कि यहाँ पे अंदर शूट करना अलाउड नहीं होगा, पर ब्लॉग करेंगे किसी दिन। लिटरली अंकिता सो रही थी, वो भैया आया, मैंने बोला भैया ये तो सो गई है, ये उठने वाली नहीं, पैसे ये लेके बैठी हुई है। तो हमको जो पॉइंट पे जाना था जहाँ पे एक्चुअल में व्यू अच्छा मिलता है, वहाँ पे इस बार बंद कर दिया। और लास्ट टाइम तो पहले सिक्योरिटी थी, अभी तो प्रॉपर वो मार दिया, गेट ही बना दिया, नहीं हो सकता तो हम वहाँ नहीं जा सकते हैं। पहले ये गाला घाट ना बहुत ज्यादा आगे था, पर अभी गवर्नमेंट ने आगे कर दिया, तो हमने सोचा ट्राई करते हैं पूछ के भी जाने देते, पर मना किया। एक पेड़ अंकिता को इतना अच्छा लगा ना, उसके लिए इसने यहाँ पे खड़ी रखवाई, वो भी रास्ते के बीच में, वो देखो। और जब हम लोग आबू में था हम इसको झाड़िया बोलते थे, हम इसको पेड़ फूल कुछ नहीं बोलते थे, या इधर उधर बहुत गंदे कांटे होते हैं इसमें पता है। कल अभी अंकिता ने हमको खड़ा रखा था जबरदस्ती, वहाँ पे काफी सारे सब्सक्राइबर्स तो मिले, पर ये इतनी चीजी चीजी ऐसे गोल निब्बा निब्बी वाली रोमांटिक हरकतें करवा रही थी ना, कि मेरे को ऐसा लगा ये क्या क्या, ये पहाड़ों पे जाके बैठे इस वजह से शोल्डर पे रखो, फिर ऐसे घुमाओ लड़की को, ये सब निकुंज भी ना करे। पूछ निकुंज तो है ना, घुमा घुमा के सीधा काय के नीचे फेंक दे। निकुंज बोलेगा हियर शी गोज शी विल फ्लाई विद हर विंग्स, हवा में उड़ती जाए। यार अंधेरा होने वाला है, हम फटाफट पहुंच जाते हैं लेक की तरफ। तो वापस से हम आ चुके हैं नक्की लेक, अंधेरा होते होते पहुंच गए, पर यहाँ पे हम ज्यादा टाइम नहीं निकालेंगे, हम लोग थोड़ा सा एक दो काम है वो निपटा के गाड़ी लेके सीधा हम चले जाएंगे आबू रोड, जल्दी सोने की इच्छा है कि ताकि हम टाइम में निकल पाए कल। ये देखो इस तरह वाइन शॉप, हम पी रहे नॉन अल्कोहलिक कूल्सबर्ग। यहाँ पे कितनी भीड़ है, एक दूसरे के ऊपर चिड़चिड़ के लोग ले रहे हैं क्योंकि 8 बजे शॉप बंद हो जाती है। नशा करने वालों की भीड़ हमेशा लगी रहती है और उसमें से वो बाहर नहीं आ सकते जल्दी जब तक खुद ना चाहे, इससे अच्छा नशा करना ही नहीं किसी चीज का। ये देखो प्यार में डूबा बंदा, इसको पता ही नहीं है हम लोग वहाँ से चले गए कब से, एक बाइक एक दूसरा एक्टिवा वहाँ पे इधर इधर उधर घूम के मिले बाबू ने ताना था या। देखो क्या हो गया, निकुंज का अचानक फोन बंद हो गया, एप्पल आ गया और टच रिस्पांस बंद हो गया, और डरा हुआ ओ माय गॉड मेरा फिर बोल के क्या हो गया ये क्या हो गया, बोला 28 इसने इतना हो गया इसने ये भी सोच लिया 28,000 की स्क्रीन आते मैं क्या करूंगा। हमने पानी पूरी खाने आया वापस से, ले लो तू नहीं खा रहा, तेरा बाल किधर है, एक रबड़ी कुल्फी लिया अंकिता ने, दो तवा दूध दिए इसके और मेरे लिए, ये क्या ये सीखने का है मेरे को ठंडे दूध से। इमेजिन कर मैं इनको रिकॉर्ड करो सीधा कैसा है, डिफरेंट तो ठीक है अच्छा है। ये देखो मेरा बिना मलाई वाला, इसका देखो डबल मलाई वाला, चीयर्स। वो भी गिर जाता मेरे हाथ पे गरम गरम। बाय द वे हमको काफी सारे क्यूट लोग मिले, ये क्यूटेस्ट है, हाय। वो बच्ची सुपर डुपर क्यूट थी यार, बहुत क्यूट थी वो। ऐसा कभी नहीं बोलते कि बहुत गर्म है, बहुत गर्म है, बहुत गर्म, बहुत गर्म, बहुत गर्म, बहुत गर्म। तो ये वाली शॉप से अंकिता ने पहले ही परचेस किया हुआ है, अभी इसका नियत हो रही है खड़े रहकर और अंदर जाके शॉपिंग करने के ना।
तो निकुंज ने ये वाला शर्ट लिया है या देख रहा है पता नहीं, और अंकिता ने वो वाला ड्रेस लिया है तो बहुत ब्यूटीफुल है। एक्चुअली मम्मी के लिए ना हमने वो देखा था बट मम्मी ने फोन ही नहीं उठाया। निकुंज ने एक शर्ट लिया है, दूसरे दो शर्ट में कंफ्यूज थे कि मैं कौन सा, मैंने बोला दोनों ले ले पर वो अभी चेंज करने के ट्राई करने के लिए गया, और उसके मौके का फायदा ये उठा रही है और चीजें देखने के लिए। क्या किचिक। तो निकुंज एक ये शर्ट में कंफ्यूज है और एक ये शर्ट में कंफ्यूज है, दूसरा शर्ट ट्राई करके आया। मुझे पहले लगा वो उल्लू वाला डिफरेंट और अच्छा लगेगा, पर ये ज्यादा स्मार्ट लग रहा है। क्या स्मार्ट लग रहा है, ये ले ले ग्रीन वाला लिया है, पहन के देखना, देख ले बाकी अच्छा है ये शर्ट तो मस्त है, पर तू इसमें ना एमबीए चाय वाला लग रहा है क्या नाम प्रफुल, क्या नाम उसका, प्रफुल पराग पर ऐसा कुछ नाम है। फाइनली हमारी राम प्यारी, चलो आबू रोड चलते हैं। खाना खाना है बाद या पहले खाओ? सामान रख के आते हैं, ऑर्डर चपाती करते हैं, दाल तड़का और जीरा राइस। दो चार मिनट में आ रहे हैं हम, इधर ही आ रहे हैं। तो खाना ऑर्डर कर दिया है, अभी रूम में सामान रखने जाएंगे फिर रेस्टोरेंट में जा खाएंगे। मेरी तो कोई ताकत नहीं है, मुझे नींद आ रही है सच में, बड़ा थकान लगी बहुत ज्यादा आज। ये देखो प्यार में डूबा बंदा। बाबू थाना थाने आ जाओ। हेलो भैया। हेलो। फाइनली खाना तो आ चुका है, दाल तड़का रोटी एंड राइस, और एक तरफ इसने ये देखा आईपीएल लगा डाला, तो इसका लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला। अंकिता नहीं खाने वाली क्योंकि अब ये एक्सट्रीम थक चुकी है, इसकी लिमिटेशन आ गई, अब ये सीधा सोने वाली है यहाँ पे नहीं। और ये देखो मैंने खाना खाने का बोला, ये राइस के अंदर जीरा राइस के अंदर इतना सारा नमक डाल के खा रही है, पागल है, इतना नमक अच्छा नहीं होता पेट के लिए। तो अभी मैं अंकिता और निकुंज तीनों है ना घास पे चल रहे हैं, सिर्फ इसलिए घास पे चल रहे हैं, थोड़ा ऐसा लग रहा है कि पाँव का दर्द थोड़ा कम हो रहा है ना, ऐसा सॉफ्ट सॉफ्ट है इसलिए। क्या है ये उंगली उंगली सब कुछ पेन कर रहा है, भयंकर वाला